छह तरफ नारद को खींच लिए। जैसे नारद जी को खींचे भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, वाह नारद जी आ गए, अच्छे आ गए, हमेशा आते हैं राम कथा सुनाते हैं, आज तो कथा सुनने को मिलेगी। नारद जी बहुत अच्छा आ गए, बहुत बहुत वाह वाह क्या बात, बड़ी प्रशंसा। नारद जी ने कहा महाराज हम राम कथा आजकल छोड़ दिए, हमने नया कथा चालू कर दी। हम राम कथा को कहते थे किसी जमाने में, अब पुरानी कथा कितनी कहोगे महाराज, वही वही कथा वही वही कथा, और कुछ तो नवीनता होना चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा कौन सी कथा चालू किया हो, तो कुमार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, हमने आजकल ये चालू किया है नया, पुराना हो गया महाराज हम छोड़ दिए। भगवान शंकर ने कहा हमारा तय हुआ और सुना लिया, सुना के कहा महाराज ये कथा कैसी लगी, नया वाला नहीं मैं भगवान कैसी। भगवान ने कहा देखो हमको सुना लिया सुना लिया, आज के बाद किसी को सुना लिया, इतनी बड़ी बेइज्जत। उनको लगा महाराज अच्छा हम क्यों ना सुनाए किसी को, मन यह सोचने लगा ओ ये कई कमारी है हमको देख करके जल रहे हैं, महाराज हमने काम को क्रोध को लोभ को सबको जीते हैं और किसी को तो नहीं सुनाएंगे, किसी से मतलब भी नहीं है, अगर नारायण अगर सुनना चाहे तो क्या उसको तो कभी सुनाना, धोखे से नहीं सुनाना, हम अपने से नहीं सुनाएंगे, तो पूछ लिया तो चर्चा चल गई, तभी दूर आऊ तभी दूर कर देना, सुनाना मत उनको कभी, क्योंकि गुरु है और जो गुरु जो होता है गुरु को हितोपदेष्टा, गुरु कौन है जो आपको हित का उपदेश करे। भगवत पास शंकराचार्य महाराज से पूछा गया कि गुरु कौन है, तो गुरु कहते हैं कि जो आपका हित का उपदेश करे, और भगवान शंकर गुरु शंकर रूपिणम, भगवान शंकर गुरु है।